please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर मध्य प्रदेश के धार में एक आदमी अपनी एक साल की बेटी का शव हाथ में लेकर खड़ा नजर आया। आरोप है कि दूध देने की जिद करने से परेशान होकर बच्ची की मां ने दरांती से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बच्ची के पिता ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी माँ को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वारदात के वक्त एक साल की अंजना और उसकी माँ अनीता घर पर अकेले थे, उसी दौरान बच्ची दूध के लिए रोने लगी। आरोप है कि बच्ची के लगातार रोने से गुस्सा होकर अनीता ने दरांती से उस पर हमला कर दिया। माँ उसके बार बार रोने से चिड़चिड़ा गई और उसने वहीं किचन में जो दराता रखा था उससे दराते से अपनी बेटी का गला काट दी। पुलिस ने बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आरोपी महिला पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। उधर खाप पंचायतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बौखलाए खाप नेता नरेश टिकैत ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लोगों से इस बात की अपील करेंगे कि कोई बेटियों को जन्म ही ना दे। जो मर्जी तो अपनी शादी करेगी, मान्य सुप्रीम कोर्ट उसकी हिमायत लेगा, तो इसका तो आने वाले समय में जो लड़कियां है वे उनकी तादाद कम हो जाएगी। हम लोगों को कहेंगे, अपने आप ही लोग समझेंगे कि भाई लड़की पैदा ना करो भाई, या तो 20 साल की अगर 18-20 साल की लड़की होगी तो या इस तरह का कदम उठावे तो कि उसका खर्चा भी बचेगा और इज्जत भी बचेगी। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आई एक फ्लाइट से 3 लोग उतरे और अपने अगले मुकाम मुंबई पहुंचने की तैयारी करने लगे। ये तीनों भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार थे, जो ये बताने भारत आए थे कि दाऊद इब्राहिम ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है। और इसलिए दुबई से आए डॉन के तीनों रिश्तेदार मुंबई पहुंचे, 2 मर्द और 1 औरत। उनमें से 2 लोगों ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास एक 5-सितारा होटल में चेक इन किया। तारीख 24 दिसंबर 2017, जगह एक 5-सितारा होटल, वक्त दोपहर के 3 बजे। 5-सितारा होटल में दुबई से आए दाऊद के दोनों रिश्तेदारों ने बगैर पेशगी $300 जमा करवा दिए। होटल में ठहरने के लिए दोनों को कमरा नंबर 115 दे दिया गया। इसके साथ ही 5-सितारा होटल के कर्मचारियों ने दुबई से आए दाऊद के दोनों रिश्तेदारों से उनके पहचान पत्र की कॉपी जमा करने को कहा। दोनों ने इसके लिए अपने पासपोर्ट की कॉपी भी जमा करा दी और पासपोर्ट की इस कॉपी में जो नाम लिखे थे उन्हें मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये नाम थे मोहम्मद रिजवान, जेल में बंद डॉन के भाई इकबाल कास्कर का बेटा, और अनाम जाकी अहमद उस्मान, मोहम्मद रिजवान की बीवी। दोनों होटल में ठहरे थे। इसकी तस्दीक होटल में जमा पासपोर्ट की कॉपी और होटल की रसीदों से भी साफ है। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर का बेटा रिजवान यानी उसका भतीजा और बहू 5-सितारा होटल में क्यों ठहरे थे, अब इस राज का पर्दाफाश भी हो चुका है। जानकारी के आधार पर थाने क्राइम ब्रांच ने एक सुओमोटो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। न्यूज 18 इंडिया के पास इस सुओमोटो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की पूरी जानकारी मौजूद है, जिसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम के 3 रिश्तेदार भारत दाऊद इब्राहिम के उस फैसले को सुनाने आए थे जिसके तहत उसने अपने वारिस को चुना है, और इसलिए दाऊद के भतीजे और बहू के साथ पाकिस्तान में बसे दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम का बेटा आरिस भी दुबई से भारत आया था। लेकिन ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की सुओमोटो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अनीस इब्राहिम का बेटा आरिस बाबा इंटरनेशनल होटल में नहीं रुका था। ये सावधानी जानबूझकर बरती गई क्योंकि तीनों एक खास मिशन पर आए थे, जो बहुत ही सीक्रेट मिशन था, क्योंकि तीनों ठाणे की सेंट्रल जेल में बंद इकबाल कास्कर को ये बताने आए थे कि दाऊद इब्राहिम ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है। दाऊद इब्राहिम की 10,000 करोड़ से ज्यादा की गुनाह की दुनिया का अगला वारिस कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने क्राइम ब्रांच की सुओमोटो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने जिसे अपना वारिस चुना है वो भारत में मौजूद दाऊद इब्राहिम का सबसे खासम खास और करीबी है, यानी कि 10,000 करोड़ के पूरे काले कारोबार का वारिस छोटा शकील नहीं है। जबकि छोटा शकील दाऊद का दायां हाथ है, लेकिन जब डी कंपनी का अगला वारिस चुनने की बारी आई तो छोटा शकील की 30 साल ज्यादा की वफादारी काम नहीं आई। दाऊद ने छोटा शकील की जगह उसे अपना उत्तराधिकारी चुना, जो भारत में रहकर उसकी गुनाह की दुनिया को फैलाने का मादा रखता है। लेकिन डॉन के इस फैसले की वजह से छोटा शकील नाराज है। माना जा रहा है कि छोटा शकील किसी तरह से अपनी नाराजगी भी जता सकता है। हालांकि छोटा शकील के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि डॉन ने अपने दोनों सगे भाइयों के साथ अपनी काली दुनिया को बचाने की चाल चली है। इसलिए उसने एक तरफ इकबाल कास्कर के बेटे रिजवान और बहू अनाम को भारत भेजा, तो अनीस इब्राहिम के बेटे आरिस को भी भेजा। तीनों टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे।
थाने क्राइम ब्रांच को रिजवान और अनाम के पासपोर्ट की नकल मिल चुकी है, लेकिन अभी उसे अनीस इब्राहिम के बेटे आरिस के पासपोर्ट की नकल नहीं मिली, क्योंकि मुंबई आने के बाद आरिस किसी होटल में नहीं ठहरा बल्कि नागपाड़ा में रहने वाले एक करीबी रिश्तेदार के घर पर रुका। बेशक ये लोग अलग अलग ठिकाने पर रुके थे, लेकिन तीनों की मंजिल एक ही थी, यानी थाने सेंट्रल जेल में बंद दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर से मुलाकात, जिसके लिए थाने सेंट्रल जेल में मुलाकात की अर्जी पहले से ही दे दी गई थी। रिजवान को जेल में बंद अपने पिता से मिलने की इजाजत आसानी से भी मिल गई, और ये मुलाकात हुई रिजवान और उसकी पत्नी के मुंबई पहुंचने के अगले दिन यानी 25 दिसंबर 2017 को। थाने सेंट्रल जेल में जैसे ही इकबाल कास्कर को मुलाकात के लिए लाया गया, उसकी हालत देखकर उसकी बहू अनाम रोने लगी। पुलिस की क्राइम ब्रांच की सुमोटो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल की सेहत की जानकारी लेने के बाद रिजवान ने इकबाल कास्कर से पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच को दी गई जानकारी का ब्यौरा लिया। रिजवान ने इकबाल को बताया कि परिवार से जुड़ी जानकारी पुलिस को देने के कारण दाऊद उससे नाराज है। ये भी बताया गया कि दाऊद ने सख्त हिदायत दी है कि इकबाल परिवार से जुड़ी और जानकारी पुलिस को न दे। इसके साथ ही इकबाल कास्कर को रिजवान ने दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कई अहम जानकारी भी दी, लेकिन इस मुलाकात में इकबाल को ये नहीं बताया गया कि डी कंपनी का अगला उत्तराधिकारी आखिरकार कौन है। थाने क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इकबाल को ये जानकारी अगले दिन यानी 26 दिसंबर 2017 को दी गई, क्योंकि 26 दिसंबर 2017 को थाने कोर्ट में मकोका के मामले में इकबाल कास्कर की पेशी थी। इस पेशी के दौरान इकबाल से मिलने के लिए रिजवान और उसकी बीवी ने सुबह सुबह होटल का 16,000 रुपए का बिल चुकाया। इसके बाद करीब 12:55 पर दोनों थाने कोर्ट पहुंच गए। तब तक अनीस इब्राहिम का बेटा आरिस भी थाने कोर्ट पहुंच चुका था। कोर्ट परिसर में ही तीनों ने इकबाल कास्कर से छोटी सी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आरिस ने इकबाल को बताया कि दाऊद ने अपना वारिस चुन लिया है, और आरिस ने ये भी बताया कि जब अगले दिन यानी 27 तारीख को तीनों दुबई पहुंच जाएंगे तो हाजी अपने उत्तराधिकारी का ऐलान करेगा। हाजी यानी दाऊद, परिवार वाले अक्सर दाऊद को हाजी बुलाते हैं, जिसका जन्मदिन 27 दिसंबर होता है, इसलिए डी कंपनी के नए सरगना के नाम का ऐलान के लिए दाऊद ने अपने जन्मदिन का दिन चुना था, जिसके लिए इकबाल कास्कर का बेटा रिजवान, उसकी बीवी अनाम और अनीस इब्राहिम का बेटा आरिस 27 दिसंबर की सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंच गए। दुबई में दाऊद ने डी कंपनी के नए वारिस का ऐलान किया। थाने क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने जिसे अपना वारिस चुना है वो दुबई या पाकिस्तान में बैठा डी कंपनी का कोई सिपहसालार नहीं है, बल्कि दाऊद इब्राहिम का वो खासम खास व्यक्ति है जो डी कंपनी को मजबूत करने की हैसियत रखता है। और दाऊद के ऐलान से पहले अनीस इब्राहिम के बेटे आरिस ने इसकी जानकारी इकबाल कास्कर को दी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने अपना वारिस इकबाल कास्कर को ही बनाया है, यानी दाऊद के बाद डी कंपनी के काले धंधों की कमान इकबाल कास्कर संभालेगा। इकबाल कास्कर के साथ पाकिस्तान में बैठा अनीस इब्राहिम भी डी कंपनी का कारोबार चलाएगा, इसलिए दाऊद ने इकबाल को पैगाम दिया कि वो जेल में बंद लड़कों को डी कंपनी में शामिल करे। ये लड़के जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें अनीस इब्राहिम से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि अनीस के निर्देश पर नए लड़के डी कंपनी के तमाम काले धंधे को अंजाम देने के लिए जुट जाएं। लेकिन दाऊद के इस प्लान की खबर क्राइम ब्रांच को भी लग चुकी है, इसलिए थाने के एंटी एक्सट्रॉशन सेल ने इकबाल कास्कर से गहरी पूछताछ की। दाऊद की नई साजिश को नाकाम करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कृष्णा घाटी में गोलाबारी की गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया। पवन, क्या अभी भी फायरिंग जारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो चौथी बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है। अभी पुंछ के गुलपुर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है, और आधा घंटा पहले कृष्णा घाटी सेक्टर में फायरिंग पाकिस्तान ने शुरू की थी। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में चार जगह पे पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, और इस समय पुंछ के दो जगह पर फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना की पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में मोर्टार शेलिंग की जा रही है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। शुक्रिया पवन।